हाँ जी, स्क्रीन आ रही है सबको नजर? स्क्रीन आ रही है लोगों को नजर? मैंने स्क्रीन शेयर किया अभी। जी ठीक सर, आ रही है। जी है, चलें। आप अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप जो है अपना माइक ऑन कर लेंगे, वरना अपना माइक जो है वो आप लोग ऑफ रखेंगे। हमारे पास मेरा टारगेट है कि काफी ज्यादा जो है वो आज हमने कवर करना है, तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग, मेरा ख्याल जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं, बाकी जिन्होंने आना होगा वो आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कोर सब्जेक्ट है। इनफैक्ट जो हमारा पिछला लेक्चरर का एक हुआ था टेस्ट, उसमें तकरीबन 40 से 45% जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस, ये दो सब्जेक्ट जो थे इनमें से मवाद जो है वो उठाया गया था। सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? बहुत स्लो आ रही है। सर मुझे आ रही है ठीक। बिल्कुल ठीक आ रही है आपको मैम? जी सर, ठीक आ रही है। और आप तो काम किसे आ रही है? सर मुझे अदीला को अभी भी नहीं आ रही है आपको आवाज? स्लो आ रही है बहुत। सर मेरा ख्याल बाकी बच्चों को ठीक आ रही है, इसका मतलब है आपकी एंड पर कोई प्रॉब्लम है। से हाँ जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे देख लें, ऑपरेटिंग सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जो हमारा प्रीवियस टेस्ट था पीपीएससी लेक्चरशिप का, तो उसमें तकरीबन 40 से 45% जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस को लिया गया। तो ये इतना अहम सब्जेक्ट है हमारे पास, लाजमी नहीं है इस बार भी कुछ ऐसी रेशो होगी। बहरहाल फिर भी हम यही कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास एक अहम सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको आपने गौर से पढ़ना है। तो ये नोट्स जो मैं इस वक्त इसमें लेके चलूंगा वो है हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नोट्स, लेकिन इसमें काफी ज्यादा एडिशन जो है मैंने खुद से भी की है, काफी ज्यादा मवाद जो है वो मैंने अपनी तरफ से भी इसमें शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये नोट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके पास, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। तो ये डायग्राम जो है तकरीबन सबके लिए फेमिलियर होगी। यहाँ पे सबसे निचली जो लेयर है यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर हमारे पास है सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। हमारे पास जो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है आपके पास, वो लेयर हमारे पास आ गई। और फिर हमारे पास यूजर्स। ठीक है, तो हमारे यूजर्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर वगैरह। और ये वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं ये इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फिर इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरीकाकार है, वो एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है किसके दरमियान में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के दरमियान में और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे नजर आएगा कि हमारे पास जो है, अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें एक बेसिक, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाती है मुख्तलिफ, जैसे कि हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी है, मेन मेमोरी जिसे हम कह देते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मौजूद है, ये वाली लेयर जो है वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की मौजूद है। इसी तरह से आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कंपाइलर, डेटाबेस सिस्टम हो गया, या वीडियो गेम्स वगैरह जो है वो आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहलाते हैं। इसी तरह से आपके पास क्या है, फिर यूजर्स हैं। तो जब भी हम कोई बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो उसमें तकरीबन ये सारी लेयर्स जो है वो हमारे पास मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे चलता हूँ कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। ठीक है, एक अप्रोच जो है वो है आपके पास टॉप डाउन व्यू, और दूसरी अप्रोच है आपके पास बॉटम अप व्यू। तो टॉप डाउन अप्रोच जो आपके पास क्या है, जो कि मैं पहले ही जिसके बारे में बात कर चुका हूँ,
कि ये हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एज अ इंटरमीडिएट मीडियरी जो है वो एक काम करती है, मतलब एक ब्रिज का काम करता है किसके दरमियान, यूजर के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान, कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान, ठीक है। और जो यूजर है उसके लिए आसान बना देता है कि वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सके। मिसाल के तौर पर अगर आपने कॉपी करना है फाइल वन को फाइल टू में, तो ये सहूलत जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा कि आप फाइल वन का डाटा जो है वो फाइल टू में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली टॉप डाउन अप्रोच क्या है, टॉप डाउन अप्रोच कहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन अ यूजर एंड अ हार्डवेयर, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास अप्रोच है बॉटम अप व्यू या बॉटम अप अप्रोच, ये हमारे पास कहती है कि कंप्यूटर सिस्टम जो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक्ट करता है एज अ मैनेजर, ठीक है। ये मतलब रिसोर्स मैनेजर के तौर पर काम करता है, मुख्तलिफ हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, फाइल स्टोरेज सिस्टम हो गया, आईओ डिवाइसेस वगैरह हो गई। तो अब ये जितने भी रिसोर्सेज हैं तब सबको मैनेज करने का जो जिम्मा है वो किसके वो कौन करता है, सारा कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा व्यू है जिसे हम बॉटम अप व्यू भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तारीफ जो है वो दोनों तरह से कर सकते हैं, टॉप डाउन व्यू के हिसाब से भी ऑपरेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं और बॉटम अप व्यू के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहली स्टूडेंट्स जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास सिंगल यूजर सिस्टम, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जिनमें जिनको सिर्फ जो सिर्फ एक ही यूजर को एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं इनका गोल क्या है, टू मैक्सिमाइज द यूजर कन्वीनियंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये जो हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनका जो कोर इस्तेमाल करने का मकसद है वो ये है कि ये जो यूजर है उसको ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा सहूलत देंगे ताकि वो सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। तो यूजर जो है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं चाह रहा होता या पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो उनकी जो है वो मैक्सिमम उनका यूज जो है वो नहीं चाह रहा होता यहाँ पे। उसका मेन मकसद क्या होता है कि वो सिर्फ सिस्टम को इस्तेमाल करना चाह रहा है और सिस्टम को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास जो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे विंडोज हो गया या मैक जो है या लिनक्स वगैरह जो है, ये हमारे पास एक्ट कर सकते हैं एज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो समराइज कर दूं अगर मैं इसे, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका मकसद जो है वो यूजर को इस्तेमाल की कन्वीनियंस देना है, इनका मकसद सीपीयू यूटिलाइजेशन या पेरिफेरल डिवाइसेस या दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनका जो है मैक्सिमम यूज जो है उसका मकसद, इन ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास है जी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आप ने कंसीडर करना है कि हमारे पास जो पहले जमाने के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो हमारे पास सिस्टम्स थे, जो कि हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम्स हुआ करते थे, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं होते थे ये, बल्कि हमारे पास क्या होते थे मैकेनिकल सिस्टम्स होते थे, और इनमें जो है इनपुट के लिए हमारे पास जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती थी उन्हें कहा जाता था पंच कार्ड रीडर्स और टेप ड्राइव्स, ठीक है। और इसी तरह से आउटपुट के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस इस्तेमाल होती थी वो हमारे पास होती थी लाइन प्रिंटर्स, टेप ड्राइवर्स एंड कार्ड पंच वगैरह जो है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये वाली डायग्राम देख पा रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कार्ड मौजूद है, इस कार्ड में आपको ये छोटे छोटे डॉट्स जो है वो नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो आपके सामने प्रोग्राम नजर आ रहा है ये फोर्ट्रान जो हमारे पास एक लैंग्वेज है उसका कोई प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पंच कार्ड जो है उनको इस्तेमाल किया जाता था एज अ इनपुट। और ये जो आपके पास राइट वाली पिक्चर है इसमें यहाँ पे जो आपके पास है ये पंच कार्ड रीडर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑपरेटर जो है वो पंच कार्ड जो है वो लोड कर रही है रीडर के अंदर, पंच कार्ड रीडर के अंदर। और इसी तरह से आपको यहाँ पे ये एक मशीन नजर आ रही है, ये हमारे पास एक्चुअली
पंच कार्ड राइटर मशीन है जो क्या किया करती थी, पंच कार्ड को राइट किया करती थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली डिवाइसेस जो है वो इस तरह से इस्तेमाल हुआ करती थी, ये मैकेनिकल डिवाइसेस होती थी। अब हमारे पास जो इस पे जरा आप गौर करें, ये हमारा टॉपिक है बैच सिस्टम, ठीक है। तो बैच सिस्टम का बुनियादी कंसेप्ट ये है कि हमारे पास क्या होता था कि यूजर जो है वो क्या करते थे, अपनी जो जो उन्होंने काम करना होता था वो उस काम को इकट्ठा कर लेते थे और कंप्यूटर ऑपरेटर के पास ले आते थे, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ यूजर्स हैं, हर एक की अपनी अपनी जो जॉब है वो क्या करते थे, तमाम लोग अपनी अपनी जॉब को लेके किसके पास आते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास आते थे। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता था, वो इन जॉब्स को उनके बैचेस बना देता था, मतलब जो मिलती जुलती जॉब्स हैं उनके वो बैचेस बना देता था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिलफर्ज उसने बैच वन बना दिया, इसमें तमाम एक जैसी जॉब्स हैं, और इसी तरह से बैच टू बना दिया, इसमें उसने जो है वो किसी और टाइप की जॉब्स हैं वो इकट्ठी कर ली, मतलब जॉब्स के बैचेस बना देते थे। फिर वो क्या करता था, ये जो बैचेस हैं इनको लोड कर देता था कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब वो इनपुट या आउटपुट कर रहा होता था, जब वो यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे पास बैचेस हैं, जॉब बैचेस हैं, उनको जब वो लोड कर रहा होता था, तो तब हमारे पास जो हमारी सीपीयू है, जो इस कंप्यूटर का सीपीयू है, वो खाली रहता था, वो वेला रहता था, कोई काम नहीं कर रहा होता था। मैं दोबारा से बात करूं कि जब बैचेस या जो हमारी जॉब्स हैं, जब उनको इनपुट दी जा रही होती थी या उनकी आउटपुट ली जा रही होती थी, तो उस दौरान में हमारा जो सिस्टम था, जो हमारा सीपीयू आप कह लें, वो हमेशा क्या रहता था, फारिग रहता था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बड़ा बैकड्रा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे हमारे पास यूजर्स ने जॉब्स दी ऑपरेटर को, ऑपरेटर ने उन जॉब्स के बैचेस बनाए और वो बैचेस उसने अपलोड कर दिए हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। और जब ये वाला काम इसका हो जाएगा, और ये काम होने में हो सकता है कि एक दिन लगे, दो दिन लगे, और कई बार ये महीनों लग जाते थे, तो जब ये काम हो जाता था तो तब जो है वो दोबारा से यूजर्स आते थे और अपनी आउटपुट जो है वापस ले जाते थे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे शुरू जमाने के जो हमारे सिस्टम थे उनमें जो है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होते थे, या बैच सिस्टम्स हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल होते थे, जिनमें एक जैसी जॉब जो एक बार ही लोड कर दी जाती थी और फिर उनकी आउटपुट जो है वो हमें मिल जाया करती थी, ठीक है। क्योंकि इनमें जॉब जो है वो उनको इकट्ठा कर दिया जाता था, उनके बैचेस बना दिए जाते थे, इस वजह से इसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिसाल यहाँ पे दी है, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन हमारे पास कोई इदारा है, उसका हमारे पास एक सिस्टम था VMS के नाम से। तो वो हमारा एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सिंपल है, इनका लेआउट जरा अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करते थे, अपनी जो मेमोरी है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते थे, ठीक है। एक हिस्से में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता था और जो दूसरा हिस्सा था उसमें यूजर प्रोग्राम्स जो है वो लोड कर दिए जाते थे, मतलब यहाँ पे हमारा बैच जो है वो कोई लोड कर दिया जाता था और यहाँ पे जो है वो हमारा काम होता रहता था, जबकि एक पोर्शन जो है उसका उसमें क्या होता था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेव कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से इमेज जो है वो प्रोसेसिंग होती रहती थी। तो ये थे हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ रही है, काइंडली मुझे एक क्विक फीडबैक दीजिएगा। आ रही है सर? ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप माइक जो है वो अपना ऑन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। अब देखें, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे पास एक बहुत बड़ा बैक ड्रा है, वो ये है कि जब हम उसमें इनपुट दे रहे होते थे या आउटपुट ले रहे होते थे, आयो कर रहे होते थे जब हम, तो हमारा जो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो या हमारा सीपीयू एक्चुअली जो है वो क्या रहता था, बिल्कुल खाली रहता था, वो कोई काम नहीं कर रहा होता था, फारिग होता था। तो इसका मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूज नहीं हो रहे होते थे। तो ये जो खामी थी उसको हमने दूर किया है मल्टी प्रोग्राम्ड जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उनमें। तो मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी जॉब्स जो है वो आ जाती हैं, हम क्या करते हैं उन जॉब्स को क्या करते हैं, जॉब पूल के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मेन मेमोरी है उसके अंदर एक जॉब पूल होता है, तो जितनी भी जॉब्स हैं जिन्होंने इस वक्त एग्जीक्यूट होना है वो सारी की सारी जो है वो जमा कर ली जाती है, कहाँ पे, जॉब पूल के अंदर। तो जॉब पूल के अंदर जब जॉब्स जमा हो जाती हैं तो उनमें से कोई एक जॉब जो है वो उठा के क्या की जाती है, वो ऑपरेटिंग जो हमारा सीपीयू है उसको दे दी जाती है। और जब कोई जॉब जो है सीपीयू के पास चली जाती है
वो एग्जीक्यूट होती रहती है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद उस जॉब को इनपुट या बता दे ये सर, सर प्लीज बताइएगा ये जॉब पूल जो है वो रैम में होता है या किधर है ये वाला जो जॉब पूल है ये हमारा हार्ड डिस्क के अंदर है। जॉब पूल जो है वो हमारा हार्ड डिस्क में होता है या डिस्क में हम कह सकते हैं, ये हमारा होता है मेमोरी के अंदर ये नहीं होता, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा तो अब जो है जॉब्स जो है वो हमारी जॉब पूल के अंदर पड़ी हुई है, समझ लें कि यहाँ पे हमारी जॉब्स पड़ी हुई है। अब इनमें से कुछ जॉब जो है जिस जॉब कुछ जॉब जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सीपीयू शेड्यूलर होगा, वो क्या करेगा इन इन जॉब्स को उठा के कहाँ पे भेज देगा, रैम में भेज देगा, ठीक है। अब इस रैम में से कोई एक जॉब जो है वो जाएगी सीपीयू के पास, ठीक है। सीपीयू के पास जब वो चली जाएगी तो हो सकता है कि इस वक्त जॉब बी जो है वो यहाँ पे जो है वो इस वक्त यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो जैसे ही इस जॉब को इनपुट या आउटपुट की जरूरत पड़ेगी तो ये वाली जॉब जो है वो वापस भेज दी जाएगी रैम में, और रैम में से कोई और जॉब जो है वो उठा के भेज दी जाएगी सीपीयू के पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, सीपीयू जो है वो हमारा कभी भी फारिग नहीं रहेगा। जैसे ही किसी जॉब को इनपुट या आउटपुट की जरूरत पड़ा करेगी तो वो हम इनपुट या आउटपुट के लिए भेज दिया करेंगे, और हमारे पास जो रैम है उसमें से कोई और जॉब जो है वो उठा के सीपीयू के हवाले कर दी जाएगी। अब यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा बैच जो है वो लोड कर दिया जाता था। इसके मुकाबले में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मेमोरी का एक हिस्सा जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड कर दिया गया है, और बाकी हिस्से जो हैं उनमें हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो मल्टी प्रोग्राम्ड जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनमें जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बड़ी खामी थी कि हमारा सीपीयू का जो रिसोर्स है वो फारिग रहता था, तो उसको हमने क्या कर लिया, मैक्सिमम यूज करने की कोशिश की है, और यही चीज जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम जो है वो हमारे पास कहलाएगी। तो मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम जो है उसमें अब हमारे पास जॉब पूल से किस तरह की जॉब जो है वो आगे भेजनी है, ये जो है वो डिपेंड करता है कि आमतौर पे क्या किया जाता है, सीपीयू बस्ट और आईओ बस्ट वाली जो जॉब्स हैं वो इक्वली जो है वो आगे भेजी जाती हैं। मतलब कि कोई जॉब जो है वो हो सकता है कि उसने सीपीयू का ज्यादा टाइम लेना है, कोई जॉब जो है वो हो सकता है कि उन्होंने आईओ ज्यादा करनी है, तो जो सीपीयू का ज्यादा टाइम लेंगी उन जॉब्स को हम बोलते हैं कि ये सीपीयू बस्ट वाली जॉब्स हैं, और जो जॉब्स जो है वो आयो ज्यादा करेंगे उन्हें हम कहेंगे ये आयो बस्ट वाली जॉब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि हमारे पास ये जो ब्लैक यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है ये सीपीयू बस्ट को जाहिर करती है, और ये जो आपके पास ग्रे है ये आयो बस्ट को जाहिर करती है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जॉब पी वन हमारा कोई प्रोसेस है तो वो क्या कर रहा है, इस वक्त सीपीयू बस्ट जो है वो कर रहा है, मतलब वो सीपीयू को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो अब उसने क्या करना है, यहाँ तक उसने क्या किया, सीपीयू को इस्तेमाल किया, नेक्स्ट उसको आईओ की जरूरत पड़ गई, तो हमारा जो कंट्रोल है सीपीयू का वो किसके पास चला जाएगा, वो पी टू के पास चला जाएगा, और पी वन जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, पी वन अपना आयो करना शुरू कर देगा। जैसे ही पी वन की आयो खत्म होगी तो हमारा कंट्रोल जो है दोबारा किसके पास आ जाएगा, हमारे पी वन के पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पी वन जो है वो अपना सीपीयू बस जो है वो मुकम्मल करेगा, और आयो की इसको जरूरत पड़ जाएगी तो फौरन जो है वो हमारे पास क्या होगा, फौरन हमारा जो पी टू है वो हवाले कर दिया जाएगा सीपीयू के, और पी वन जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, अपनी आयो जो है वो करना शुरू कर देगा, और फिर से इसी तरह से ये हमारा सिलसिला जो है वो चलता रहेगा कि हमारे पास अगर दो प्रोसेस इस वक्त सिस्टम में मौजूद हैं तो उनमें से जब एक सीपीयू अपना सीपीयू बस को मुकम्मल कर रहा होगा तो उस वक्त में कोई दूसरा जो है वो क्या कर रहा होगा, अपनी आयो बस जो है उसको मुकम्मल कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें कि बिल फर्ज अगर हम यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ना करते तो तब हमारे पास क्या होना था, 10 यूनिट्स टाइम जो है वो हमारे पास खर्च होना था। देखिएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसके, और 5 जो है वो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ टाइम जो है वो इस्तेमाल होने थे, लेकिन चूंकि हमने मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया है तो इस वजह से अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सीपीयू का कितना टाइम लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम्ड मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होने की वजह से हमारे पास क्या है, ओनली 6
यूनिट्स ऑफ टाइम जो यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, अगर हम इसको इस्तेमाल ना करते तो हमारे क्या होने थे, 10 यूनिट्स ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाने थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो सीपीयू है उसको हमने कारकर्दगी को काफी ज्यादा बेहतर कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये फ्रेंड्स हमारे पास था क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है ये हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब्स की स्केजुलिंग की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि जॉब पूल में से कौन सी जॉब्स को उठा के आगे भेजना है, ये काम जो है जॉब स्केजलिंग कहलाता है, और जो हमारे पास हार्डवेयर ये वाला काम कर रहा होता है उसको जॉब स्केजुलर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम है वो है हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये जो हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है उसकी लॉजिकल एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, टाइम शेयरिंग सिस्टम कहलाती है। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि हर यूजर जो है उसको एक खास टाइम दिया जाता है, जिसको हम टाइम क्वांटम बोल सकते हैं, टाइम स्लाइस उसको बोल सकते हैं, कि वो वाला टाइम जो है वो हर यूजर को दे दिया जाता है, और जैसे ही उस यूजर का वो टाइम खत्म होता है तो उसे सीपीयू जो है वो वापस ले लिया जाता है। अब जो हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम है, ये हमारे पास मल्टी यूजर भी हो सकता है, मल्टी प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टी यूजर से मुराद है कि एक वक्त में एक से ज्यादा यूजर जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और मल्टी प्रोसेस का मतलब यह है कि हमारे पास जो है वो एक वक्त में जो है वो एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो हम रन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि हमारा प्रोसेसर जो है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन वो कुछ इस तरह से जो है वो स्विचिंग कर रहा होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, कि हमें लगता है कि वो एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसेस कर रहा है। तो टाइम शेयरिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली एक डायग्राम आप देखें, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ यूजर मौजूद हैं। ठीक है, यूजर वन से लेके यूजर सिक्स तक आपके पास मौजूद है यहाँ पे यूजर। तो इस वक्त देखें कि आपका सीपीयू जो है वो किसको सर्विस दे रहा है, आपका सीपीयू जो है इस वक्त यूजर फाइव को सर्विस दे रहा है, जबकि सीपीयू फोर, सीपीयू थ्री, सॉरी यूजर फोर, यूजर थ्री, यूजर टू और यूजर वन इस वक्त आइडल बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला टाइम जो है इसका खत्म होगा यूजर फाइव वाला, तो फौरन हमारा जो सीपीयू है वो किसके पास चला जाएगा, यूजर सिक्स के पास चला जाएगा। यूजर सिक्स को सीपीयू जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा, ये हमारा यूजर सिक्स जो है वो अपना टाइम मुकम्मल करेगा, और फिर इसे सीपीयू लेके किसको दे दिया जाएगा, यूजर वन को दे दिया जाएगा। इस तरह एक खास वक्त जो है वो हो सकता है ये वक्त नैनो सेकंड्स में हो, तो ये हमारा सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होगा, जितने भी यूजर्स हैं इनको वो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा होगा, इनको वो जो है वो सर्विस देने की कोशिश कर रहा होगा। तो दोबारा से बताता चलूं कि टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या है, जो अभी हमने पिछला पढ़ा है मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उसकी लॉजिकल एक्सटेंशन ही है, ये हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ही है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, टाइम का इजाफा कर दिया है। ठीक है, हर प्रोसेस को, या अगर हमारे पास मल्टी यूजर सिस्टम है तो हर यूजर को हमने क्या किया है, एक खास टाइम स्लॉट जो है वो हमने दे दिया है, और जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा तो फौरन जो है उससे सीपीयू ले लिया जाएगा और अगले प्रोसेस को या अगले यूजर जो है उसको जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा हमारा सीपीयू। इस तरह हमारा जो सीपीयू जो कि सबसे अहम हमारा रिसोर्स है उसका मैक्सिमम जो है वो यूज कर रहे होते हैं, हमारा सीपीयू जो है वो कभी भी आइडल नहीं रहता। ठीक है जी, तो यहाँ एग्जांपल जो है इसकी देख लें, वो है हमारे पास यूनिक्स, लिनक्स और ये विंडोज एनटी जो है हमारे पास एक वर्जन आया था उसका जो सर्वर है, ये विंडोज 2000 सर्वर जो है, ये सारे हमारे पास मिसालें हैं किसकी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है उसकी ये हमारे पास मिसालें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग हमारे पास क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग हमारे पास होते हैं कुछ यूनी प्रोसेसर प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं या यूनी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं, कि जिनमें एक वक्त में क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्रोसेसर जो है वो हमारे पास लगा हुआ होता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है छोटा। जी जी जी, मैं थोड़ा ड्रॉप हो गया था सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से, वो जो ऊपर किया हमने मल्टी टाइम शेयरिंग, तो उसमें वो टाइम स्लॉट वाला होता है कॉन्सेप्ट। जी जी मैं, जी सर बिल्कुल बिल्कुल, हर स्लॉट दी जाती है हर प्रोसेस को। हाँ जी, हर अगर हमारा सिस्टम में बात करें तो हर
प्रोसेस को दे दिया जाता है, और अगर हमारा सिस्टम मल्टी यूजर है तो हर यूजर जो है उसको एक खास टाइम स्लॉट जो फ्रॉम किया। ठीक हो गया, ओके हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट। हाँ जी ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो हमारे पास लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ पीछे अगर हम चले जाएं तो हमारे सिस्टम के अंदर ओनली वन प्रोसेसर लगा हुआ होता था। तो उस प्रोसेसर में क्या होता था कि हमारा प्रोसेसर, जैसे कि मैं पीछे बात कर रहा हूँ कि हमारा प्रोसेसर जो है वो एक वक्त में एक ही जॉब को एंटरटेन कर सकता है, सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो फिर उसे क्या करना होता है, बड़ी जल्दी से स्विच करना होता है अगले प्रोसेस की तरफ। तो उसमें हमारे पास जो है, जारी बात है कि हमारे पास प्रोसेसर एक है, तो जितना भी हमारा प्रोसेसर तेज हो जाए तो वो ज्यादा अच्छी जो है वो हम मैक्सिमम स्पीड जो उसकी हासिल नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास क्या है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सॉरी आ गया। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें हमारे पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर जो है वो मौजूद होते हैं। चूंकि एक से ज्यादा हमारे पास प्रोसेसर मौजूद होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास हर प्रोसेसर जो है वो एक वक्त में क्या कर रहा होता है, एक जॉब को एंटरटेन कर रहा होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो प्रोसेसर इस वक्त मौजूद हैं तो वो दोनों क्या कर रहे होंगे, एक वक्त में दो जॉब्स, अलग अलग जॉब्स जो है उनको क्या कर रहे होंगे, एंटरटेन कर रहे होंगे। और इस तरह से अगर हमारे पास चार प्रोसेसर लगे हुए हैं जिनको हम आमतौर पे क्वाड कोर भी कह देते हैं, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास चार जॉब्स जो है वो एक वक्त में उन पर काम कर रहे काम किया जा रहा होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोसेसर जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। ये दो तरह के हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, पहला है सिमेट्रिक और दूसरा है हमारे पास एसिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल तीन सीपीयू यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं सेशन के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन जो है वो यहाँ पे प्रोसेसर लगे हुए हैं। ये सारे के सारे प्रोसेसर जो हैं वो पैरेलल एक दूसरे के वो क्या कर रहे होंगे, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे होंगे और शेयर्ड मेमोरी जो है उसको ये एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास कहलाएंगे। ये हमें जो है वो फ्राहम करते हैं लोड बैलेंसिंग। ठीक है, लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है कि तमाम जो सीपीयूज हैं उनको एक वक्त में एक जितनी जॉब्स जो है वो फ्राहम की जाएंगी, और ये फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो हमारे पास आ जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो हमारा सिस्टम जो है वो कुछ ज्यादा स्लो नहीं होता या हमारा सिस्टम क्रैश नहीं करता। ये मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक जो मल्टी प्रोसेसर प्रोसेसिंग सिस्टम है उसकी। और तीसरी जो हमें यहाँ पे एडवांटेज इसका मिल जाता है वो है सीपीयू बॉटलनेक। तो सीपीयू बॉटलनेक का मतलब ये है कि हमारे पास क्या होता है कि बिलफर्ज अगर आपके पास एक सिस्टम लगा हुआ है, सॉरी एक ही उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, और उसमें कोई जो है उस सिर्फ उस प्रोसेसर की वजह से हमारे पास क्या है, स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। बॉटलनेक का मतलब हमारे पास खासतौर पर ये है कि हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम के अंदर रिसोर्स है और उस रिसोर्स की वजह से क्या हो गया, हमारी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा सिस्टम की कम हो रही है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, बॉटलनेक कहते हैं। और जब हमारे पास आमतौर पे एक प्रोसेसर लगा हुआ हो तो उसमें हमारे पास क्या होता है, सीपीयू की वजह से बॉटलनेक आ जाता है, मतलब कि हमारे सिस्टम की स्पीड जो काफी ज्यादा कम हो जाती है। अब चूंकि हमारे पास एक वक्त में एक से ज्यादा जो है वो सीपीयू काम कर रहे हैं, शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो सीपीयू बॉटलनेक का जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। और दूसरा जो है वो कंसेप्ट है हमारे पास एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन ही प्रोसेसर है और वो अलग अलग जो है वो क्या कर रहे हैं, शेयर्ड मेमोरी नहीं है उनके पास, हर एक की अपनी अपनी आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। इनमें कंसेप्ट ये है कि हमारे पास एक प्रोसेसर जो है उसको हम क्या करते हैं, मास्टर बना देते हैं और बाकी उसके स्लेव बन जाते हैं। ठीक है, अब जो है वो मास्टर जो है वो एक तरह से स्लेव को कंट्रोल कर रहा होता है। बिलफर्ज इनमें से कोई एक, ये जो हमारा मास्टर है ये किसी वजह से क्रैश कर जाता है, ये वाला प्रोसेसर जो है बॉटलनेक में चला जाता है या इसको कोई और मसला बन जाता है, तो ये जो स्लेव है इनमें से फिर कोई एक जो है इसको मास्टर बना दिया जाता है और ये जो बाकी मांदा होते हैं उनको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है जिसमें हमारे पास मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट जो वो हमारे पास पाया जाता है। ठीक है, अब ये मास्टर प्रोसेसर है जो है उसके जिम्मा क्या क्या काम है, मास्टर प्रोसेसर कंट्रोल्स डेटा स्ट्रक्चर,
द स्केजलिंग ऑफ प्रोसेसेस, तो प्रोसेसेस को स्केजल करना, आईओ प्रोसेसिंग करना, और दूसरी जो तमाम एक्टिविटीज हैं वो किसके जिम्मे है, वो मास्टर प्रोसेसिंग के ही जिम्मे है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से दूसरों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ तक तो था हमारा ये क्या कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है वो है हमारे पास कि हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या फर्क है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे पास प्रोसेसर एक लगा हुआ है और उसमें हमारे पास क्या है जॉब्स जो हैं हमारा जो सीपीयू है वो क्या कर रहा है जॉब्स के दरमियान स्विच कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से वो उनके दरमियान स्विच कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कंसेप्ट पाया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। और मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या है कि एक से ज्यादा हमारे पास जो है वो प्रोसेसर्स मौजूद हैं और वो एक दूसरे के आप समझ लें कि पैरेलल जो है वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग में था कि जॉब्स जो है उनको जल्दी जल्दी स्विच कर किया जा रहा है, तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट जो हमारे पास ज्यादा नहीं पाया जा रहा होता। तो मतलब कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं हो रही होती है, इसका कंसेप्ट हमारे पास नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो हम इंशाल्लाह जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो तब हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई है क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ 5 मिनट। जी जी, ये जो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में की है ना बात आपने, मल्टी प्रोग्रामिंग एक प्रोग्राम जो है एक प्रोसेसर मल्टीपल प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग में क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो आपस में जो है वो कर रहे हैं उसके पार्ट जैसे वो कर रहे होते हैं? इस तरह से नहीं होता। कोई एक जो प्रोसेसर है वो एक ही प्रोसेस पे काम कर रहा होगा। मतलब अगर आपके पास आप कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि एक प्रोसेस जो है वो बांट दिया जाएगा चार प्रोसेसर्स में, तो ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर जो सिस्टम है उसका अपना सीपीयू है, अपनी उसकी डिस्क है, अपनी उसकी मेमोरी है। तो इस तरह से आप 5-6 सिस्टम देख सकते हैं, हर एक की अपने अपने यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं सब किसी तरह से किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से या किसी नेटवर्क की मदद से जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। अब इनके अपने अपने रिसोर्सेज हैं, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान जो हमारे पास सिस्टम है वो समझ लें कि हमारे पास एक ही पाया जा रहा है। तो ये सिस्टम जो है वो अभी इवॉल्व हो रहा है, ये हमारे अपने हम कह सकते हैं कि ये फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा अभी, इस पे जो है वो काम जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास रिसर्च जो है वो हमारे पास हो रही हो इस वक्त हो रही है। इसमें जो हमारे पास ये जो सिस्टम है इसको हम लूजली कपल्ड सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये जो हमारे सिस्टम्स हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, हर एक की अपनी अपनी जो है वो रिसोर्सेज हैं, और इनमें से अगर किसी एक को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो बाकी जो है वो उससे मुतासिर नहीं होते। तो ये हमारे पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी तरह से इसके आप कोई एडवांटेज जो है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि फेलियर अगर एक का हो जाता है तो हमारे पास मसला नहीं बनता। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है कि सिंस रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड कंप्यूटेशन इज हाईली फास्ट एंड ड्यूरेबल। अब इसमें हमारे पास जो है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो रहे हैं, बाकी इनके अपने अपने, इस वजह से जो है वो हमारे पास स्पीड जो काफी ज्यादा है। अच्छा, लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस, तो अब हर एक के अपने अपने रिसोर्सेज हैं, तो जो हमारा कोई एक दरमियान में सिस्टम मौजूद होगा उस पर ज्यादा लोड जो है वो हमारे पास नहीं पड़ेगा। ये स्केलेबल होते हैं, स्केलेबल से मुराद है कि हमारे पास इनमें हम क्या कर सकते हैं और सिस्टम जो है उनका भी इजाफा कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो है डिले इन डेटा प्रोसेसिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है, बाद वहीं पे आ जाती है घुमा के कि हर एक जो है उसकी अपनी मेमोरी है, अपनी उसकी डिस्क स्पेस है, तो इस वजह से हमारे पास जो है प्रोसेसिंग जो है वो हमारे पास हमेशा तेज ही रहती है। इसमें डिसएडवांटेज देख लें कि हमारे पास मेन नेटवर्क जो है अगर वो फेल हो जाता है तो हमारा सारा सिस्टम जो है वो जाता रहेगा, ठीक है।
इसमें हमारे पास जो मिसाल है हमारे पास इसकी, वो है हमारे पास लोकस के नाम से हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की गई है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, लूजली कपड़ लो टाइटली कपड़ वाला। ईमान नहीं सर, वो वलीजा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ना बिल्कुल टाइम पे आ जाया करें, क्योंकि ये फिर 40 मिनट का सेशन होता है। ये जो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसकी वजह भी यही है, ताकि हमारा जो टाइम है उसके अंदर अंदर जो है वो इसको हम कवर कर सके, वरना 40 मिनट के बाद वो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी भी बाकी लोग जो है वो देखे कब पहुंचते हैं। हाँ जी अलीजे, अब आ रही है मेरी आवाज आपको? अलीजे अब आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। ठीक है, कंटिन्यू करें। उनका एक क्वेश्चन था तो इसमें, आ रही है सर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था लूजली टाइप्ड और हमारे पास टाइटली कपल्ड जो है, तो लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड। लूजली कपल्ड जो है उसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ नोड्स आप कह लें या हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, इनको एक दूसरे के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, मतलब कि क्या कॉन्फ़िगरेशन की गई है या दूसरे सिस्टम कौन से हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर दूर पड़े हुए हैं, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर आपने विंडोज सर्वर को इस्तेमाल किया हो, विंडोज सर्वर 2003 को या 12 या किसी और को, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आमतौर पर ये वाला सिस्टम जो है वो किसी एक बिल्डिंग के अंदर पाया जा रहा होता है। ठीक है, तो उस बिल्डिंग के अंदर जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सब कंप्यूटर्स को एक दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन का पता होता है, या तमाम सिस्टम्स के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन होती है कि इस सिस्टम के साथ कौन कौन से सिस्टम्स जुड़े हुए हैं, इस वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, टाइटली कपल्ड बोला जाता है। बात समझ आई? मेरे ख्याल इन्हें फिर आवाज नहीं जा रही। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल है कि ये फिर बाद में वीडियो में भी सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो है हमारे पास रियल टाइम सिस्टम्स। ठीक है, तो रियल टाइम सिस्टम का भी उम्मीद है आपको पहले से आइडिया होगा। रियल टाइम सिस्टम हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमें आगे मुझे समझ, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। रियल टाइम सिस्टम जो है वो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो है टाइम रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास टाइम की शॉर्ट ही होती है कि दिए गए वक्त के अंदर जो है वो हमारे पास जो भी हमारी टास्क है वो लाजमी कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हमारे पास ये क्या होते हैं, डेडिकेटेड आप इनको कह सकते हैं, ये हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास जितने भी मेडिकल के अंदर जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है हमारे पास, तो वो वहाँ पे हमारे पास जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मरीज को ऑक्सीजन दे रहे हैं उसकी कंडीशन के बेस पर, तो अगर हमारा सिस्टम जो है वो एंड टाइम के ऊपर जो है वो इंटरेक्शन करना नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मरीज है उसकी लाइफ जो है वो खतरे में जा सकती है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है वहाँ पे हमारे पास क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई है कि हमारे पास जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स हैं, या इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अब हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो तरह के हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है हमारे पास हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकेंड वन है हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हमारे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती, मतलब कि हमारा सिस्टम जो है वो लेट जो है वो इंटरेक्शन करे, जहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, जहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमारे पास होती हैं।
तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर वहां पे हमारा सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करना जो है उसमें डिले कर देता है, तो तब हमारे पास जो लाइफ है वो रिस्क पे जा सकती है। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक पैराशूट्स जो है उनकी एक मिसाल दी है कि अगर वो एंड टाइम के ऊपर जो है वो प्रोसेस नहीं ये वाला होता तो लाइफ जो है वो किसी के खतरे में जा सकती है। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वहाँ पे हमारे पास हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ जगह ऐसी होती है हमारे पास कि जहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो है वो उसका डिले जो है हमारे पास काबिले कबूल होता है या टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हमारे पास नहीं होती, तो वहाँ पे हमारे पास जो इस्तेमाल किया जाएगा वो है हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो थे हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले जो है वो हमने बात की सिंगल यूजर की, फिर हमने बात की है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कि जिसमें हमारे पास एक जैसी जॉब जो है उनके बैचेस बना के अपलोड कर दिया जाता है सिस्टम के अंदर, और वो बैचेस जो है वो फिर प्रोसेस होते रहते हैं। इनका बड़ा ड्रॉबैक जो था वो ये था कि हमारा सीपीयू जो है वो अक्सर आइडल रहता था जब इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होते थे। फिर हमारे पास ये खामी जो है उसको दूर किया गया मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमारे पास एक कंसेप्ट था उसमें हमारे पास क्या था कि जॉब पूल जो उसके अंदर जॉब्स को डाल दिया जाता था और स्केड्यूलर जो है वो फिर जिन जिन जॉब्स को इस वक्त एग्जीक्यूट करना है उनको मेमोरी में भेज दिया करता था, और मेमोरी में जाने के बाद एक वक्त में एक जॉब जो है वो हमारे सीपीयू के पास जाती है और जब उसको आयो की जरूरत पड़ती है तो वो आयो करने चली जाती है और पीछे से दूसरी जॉब जो है वो भेज दी जाती है सीपीयू के पास। इस तरह से हमने सीपीयू की जो रिसोर्स है उसको मैक्सिमाइज उसका यूज जो है मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है। फिर हमारे पास मल्टी प्रोग्राम सिस्टम जो थे उनमें लॉजिकल एक्सटेंशन की गई और उसमें टाइम का एक फैक्टर डाल दिया गया, टाइम क्वांटम दे दिया गया, टाइम स्लॉट्स जो है वो अलॉट कर दी गई। अब हर प्रोसेस जो है वो कुछ खास वक्त के लिए चलेगा और उसके बाद उससे वो सीपीयू वापस ले लिया जाएगा और उसके बाद सीपीयू जो है वो किसी और सिस्टम को दे दिया जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे आए मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जिसमें हमने कहा था एक से ज्यादा ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक से ज्यादा प्रोसेसर पर चल सकते हैं, और इसमें हमारे पास दो टाइप्स थी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेसर्स जो हैं वो क्या करते हैं शेयर कर लेते हैं मेमोरी को, ठीक है, और एक तरह से पैरेलल जो है ये एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। जबकि एसिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मास्टर स्लेव का कंसेप्ट आ रहा होता है, तो मास्टर जो है वो क्या कर रहा होता है दूसरे जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हमारा कोई मास्टर प्रोसेसर जो है वो फेल हो जाए तो किसी स्लेव को फिर मास्टर बना दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हमारे पास क्या है हमारे जो मुख्तलिफ सिस्टम है वो मुख्तलिफ लोकेशंस पर दूर दूर फैले हुए हैं, हर एक की जो है वो अपने रिसोर्सेज हैं और वो क्या कर रहे हैं किसी नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं और किसी एक सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें लूजली कपल्ड हमने बोला था। फिर हमारे पास आ जाता है कोई नेटवर्क के थ्रू जो जुड़े हुए हैं, मतलब हमारी किसी एक इमारत के अंदर हो सकते हैं, जैसे हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे हमारे तमाम सिस्टम जो है वो क्या है एक दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का उन्हें पता होता है, ठीक है, और जो है ये ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे जो जो मेन हमारा होता है जिस पर जो है हमारा सर्वर जो है वो आप जिसे कह लें, तो इस वजह से इन्हें टाइटली कपल्ड भी बोला जाता है क्योंकि ये तमाम जो है आपस में काफी जो है एक दूसरे के साथ ये कन्फिगर्ड होते हैं, हर सिस्टम के पास दूसरे सिस्टम के बारे में कोई ना कोई मालूमात जो है वो पड़ी हुई होती है। तो इसके बाद हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है वो बात की है कि जहाँ पे हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा हो तो वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है हमारे पास कर्नल का, ठीक है। तो कर्नल हमारे पास क्या है, कर्नल हमारे पास जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम लेक्चर शुरू में जैसे हमने बात की थी कि हमारा यूजर जो है वो क्या करता है वो इंटरेक्शन करता है किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फिर बातचीत करता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ, ठीक है। असल में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कर्नल ही वो पार्ट है जो क्या कर रहा होता है हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो किसके साथ बातचीत करती है, कर्नल के साथ, और कर्नल क्या करता है जो हमारे मुख्तलिफ हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है।
तो कर्नल की अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो ये सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। तो कर्नल जो है इसका हमारे पास जो मेन मकसद है वो ये है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं या यूजर लेवल एप्लीकेशन हैं उनकी कम्युनिकेशन करवाना हार्डवेयर के साथ, ठीक है। और जब हमारा जो है वो सिस्टम को हम बूट करते हैं या जब हम सिस्टम को चलाते हैं तो बूट लोडर जो है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, तो बूट लोडर जो है उसके लोड होने के बाद जो सबसे पहला जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो है वो लोड होता है वो कर्नल ही हमारे पास है, ठीक है। तो कर्नल जो है इसका जो कोड है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल इन मानों में कि अगर हमारा कोई एप्लीकेशन जो है अगर इसकी जो स्पेस है उस पर कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो ओवरराइड कर दे तो हमारा पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये वाला कर्नल वाला कोड होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसके अंदर रखते हैं, मतलब जो हमारी मेमोरी होती है उसमें एक खास एरिया बना देते हैं, और वो वाला एरिया जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं अपने कर्नल को रखते हैं, और वो जो एरिया है हमारी रैम का या हमारी मेमोरी का वो प्रोटेक्टेड होता है, हमारे जो यूजर लेवल के प्रोग्राम्स हैं उस एरिया को वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो सिस्टम है, चलें यहाँ पे हमारे पास आ गया कि अगर हमारा एप्लीकेशन जो है उसने कर्नल के साथ बातचीत करनी है तो यहाँ पे जो हमारे पास एक कम्युनिकेशन का वे है वो उसे बोला जाता है सिस्टम कॉल्स, ठीक है। तो सिस्टम कॉल हमारे पास क्या है, सिस्टम कॉल हमारे पास एक ऐसा तरीकाकार है जिसके थ्रू हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो कर्नल के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। तो हमारी कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली कर्नल के साथ कम्युनिकेट नहीं करती बल्कि उसे क्या करना पड़ता है, सिस्टम कॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हमारे पास कोई भी सिस्टम जो है वो जब सॉरी हमारा कोई प्रोसेस जो है वो जब रैम के अंदर आता है तो ये चीज आपने याद रखनी है कि उसको जो है वो एक खास एड्रेस स्पेस दे दी जाती है। तो हमारे जितने भी प्रोसेसेस होंगे किसी सिस्टम के अंदर हर एक की क्या होगी, एड्रेस स्पेस हमारे पास मौजूद होगी, और जो है वो तमाम की तमाम एड्रेस स्पेस जो है वो मिलके हमारे पास क्या बना देगी, यूजर स्पेस जो है उसको हम कह देते हैं। तो हमारे पास दो स्पेसेस है जो है वो मौजूद होगी, एक हमारे जो सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए और दूसरा जो हमारे यूजर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हमारे पास अलहदा से यूजर एड्रेस स्पेसेस जो है वो हमारे पास मौजूद होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है हमारे पास इंटरप्ट्स, ट्रैप्स और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बारे में। तो हमारे पास इंटरप्ट्स सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इंटरप्ट जो है वो बिलफर्ज इस वक्त हमारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से कोई की जो है वो प्रेस कर दी है, बिलफर्ज मैंने डिलीट की जो है वो प्रेस कर दी है। तो इस वक्त जो हमारे पास कोई भी प्रोसेस जो है उस पर हमारा प्रोसेसर जो काम कर रहा होगा तो जैसे ही हमने की प्रेस की तो हमारे पास क्या होगा, एक इंटरप्ट जो है वो फौरन जनरेट होगी। तो इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट हमारे पास एक सिग्नल है और ये सिग्नल कौन जनरेट करता है, हमारा कोई ना कोई हार्डवेयर डिवाइस, हमारी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो सिग्नल जनरेट करती है। अब ये क्यों जनरेट करती है, क्योंकि वो सीपीयू की अटेंशन चाह रही होती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास कोई इंटरप्ट जनरेट होती है तो फौरन क्या किया जाता है, हमारे पास उसके लिए हमारे पास उस इंटरप्ट के लिए कोई ना कोई हमारे पास कोड मौजूद होगा, कोई ना कोई फंक्शन मौजूद होगा जिसे हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो हर इंटरप्ट के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास क्या होगी, अलग अलग इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स जो हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखी हुई होती हैं। तो उसके लिए वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स जो हैं उनको जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास मुख्तलिफ हार्डवेयर मौजूद है, माउस है मेरे पास, कीबोर्ड है मेरे पास, इस वक्त जो है वो हो सकता है कि माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे माउस का बटन दबाऊंगा तो उसके लिए क्या होगा, फौरन से कोई ना कोई इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब माउस के लिए कौन सी इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो एग्जीक्यूट होनी है, इस सब का जो है वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर, ठीक है। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है वो समझ लें कि आपके पास एक एरे है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि कौन से हार्डवेयर के लिए कौन सा जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है या इंटरप्ट सर्विस हैंडलर जो है उसने जो है वो एग्जीक्यूट होना है। तो बात समझ आ गई, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सबको आ गई समझ ये वाली बात। ये
इंटरप्ट वाली बात समझ आ गई सबको? जी जी सर आ रही है। ठीक है, तो हमारे हर हार्डवेयर के लिए हमारे पास क्या है, इंटरप्ट सर्विसेज हैं और उनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और जो है सिग्नल जनरेट होता है हमारे पास, यहाँ पे ये जरा पढ़ लें कि इनकमिंग इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड व्हाइल अनदर इंटरप्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड टू प्रिवेंट अ लास्ट इंटरप्ट। तो हमारे पास जब एक इंटरप्ट जो है उस पर काम किया जा रहा होता है तो आने वाली जो दूसरी इंटरप्ट जो है उनको क्या कर दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है। वो इस वजह से कि जिस इंटरप्ट पे इस वक्त काम हो रहा है कहीं पे वो लॉस्ट ना हो जाए। तो ये बात जो है वो आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब दूसरी जो हमारे पास चीज है वो है हमारे पास ट्रैप। तो इंटरप्ट जो है वो हार्डवेयर की वजह से जनरेट होती है और ट्रैप जो है वो हमारे पास किसी सॉफ्टवेयर की वजह से जनरेट होती है, इसको एक्सेप्शन भी बोला जाता है। और ये आमतौर पे हमारे पास जनरेट हो जाती है, वैसे इसको दूसरा नाम सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट भी बोला जाता है। और ये हमारे पास आमतौर पे कोई अगर एरर रखकर हो जाता है तो उस वजह से हमारे पास ट्रैप जो है वो जनरेट होता है। आमतौर पे हमारे पास अगर कोई इलीगल ऑपरेशन हम करते हैं, जैसे किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश की या कोई इनवैलिड मेमोरी एड्रेस जो है उसको हमने एक्सेस करने की कोशिश की, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रैप जो है वो हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इंटरप्ट जो है वो हार्डवेयर के लिए, ट्रैप जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास है वो है हमारे पास सिग्नल। तो सिग्नल हमारे पास क्या है, ये कोई ऐसा इवेंट है जनरेट होता है हमारे पास जब हमारा कोई प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर का जो है वो अटेंशन लेना चाह रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने कंट्रोल प्लस सी जो है अगर उसको प्रेस किया तो फौरन जो है वो एक इवेंट जनरेट होगा, उस इवेंट को क्या बोला जाता है, सिग्नल बोला जाता है। और ये कब जनरेट, ये कौन जनरेट करता है, हमारा कोई प्रोसेस जो है वो जनरेट करता है। अब ये जो सिग्नल जनरेट होता है इसको सिगइंट भी बोला जाता है, मतलब इंटरप्ट सिग्नल। ठीक है, तो जब हमारे पास इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हो, इंटरप्ट सिग्नल कौन जनरेट करेगा, हमारा प्रोसेस जनरेट करेगा। तो हमारे पास तीन तरह के जो चीजें हैं वो अक्कर हो सकती हैं। कब अक्कर हो सकती हैं, जब हमारे पास कोई सिग्नल जनरेट हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है कर्नल क्या करेगा, कर्नल यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोसेस टर्मिनेशन। हमारे पास जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और हमारे पास एक फाइल जो है वो जनरेट होगी, उस फाइल का नाम है कोर फाइल। ठीक है, और हमारा प्रोग्रामर जो है उस कोर फाइल को पढ़ेगा और हमारा जो जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सिग्नल कब जनरेट होगा, कैसे, कौन करेगा, ये नहीं पता चल रहा है, जरा दोबारा। सिग्नल हमारा कोई प्रोसेस जनरेट करेगा, देखें इंटरप्ट हार्डवेयर जनरेट करेगा, ट्रैप जो है वो हमारे पास क्या है, कोई ना कोई अगर मैं कह रही हूँ कि सिग्नल जो है तो सिग्नल जनरेट होगा, कौन करेगा, ये कैसे होगा, कौन सा इवेंट होगा तो फिर सिग्नल जनरेट होगा। बिल्कुल, जैसे मैंने यहाँ पे बात की है कि अगर आप कॉपी की कोई कमांड जो है वो आ जाती है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाएगा। आपके पास कोई प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, ठीक है, और कंट्रोल सी की कमांड जो है वो आपने दे दी है उस प्रोसेस के लिए, तो हमारे पास एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा कि यहाँ पे हमें कॉपी की जरूरत है। चले मैं कंटिन्यू करता हूँ, आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो जब हमारे पास सिग्नल होगा जनरेट, तो मैंने यहाँ पे कहा है कि तीन चीजें हो सकती हैं। कर्नल का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो हो जाएगा, उसमें आमतौर पे क्या होता है कि हमारे पास एक फाइल जनरेट होती है जिसका नाम है कोर फाइल। ठीक है, और उस कोर फाइल को जो है वो हमारा प्रोग्रामर जो है वो पढ़ सकता है ये जानने के लिए कि हमारा प्रोसेस जो है इस वक्त किस स्टेट में था जब ये उसकी टर्मिनेशन जो है वो की गई। उसके बाद है हमारे पास प्रोसेस कैन इंटरसेप्ट द सिग्नल एंड इग्नोर इट। तो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या कर सकता है, सिग्नल को इग्नोर कर सकता है। थर्ड है हमारे पास के प्रोसेस क्या इंटरसेप्ट द सिग्नल एंड टेक अ प्रोग्रामर डिफाइंड एक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और उसके लिए हमारा जो प्रोग्रामर है उसने जो भी कोई मेथड या कोई फंक्शन वगैरह लिखा हुआ होगा
तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे रन हो जाएगा। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पे हमने ये चीजें जो है वो पढ़ी हैं, तीन तरह के इवेंट्स पढ़े हैं असल में, इंटरप्ट, ट्रैप्स और सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बारे में। थर्ड नेक्स्ट है हमारे पास जी, बहुत अहम टॉपिक है नेक्स्ट हमारे पास, वो है हमारे पास हार्डवेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हार्डवेयर प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है? एक सेकंड जरा, ये जो है ना सिग्नल की, मुझे एक बात याद आ रही है, जब बड़ी पुरानी याद आ गई, जब पढ़ा था उस वक्त ये बात मुझे याद आ रही कि ये तीन तरह के इवेंट आपने पढ़ाया ना, जी, तो सिग्नल वो वाले सर ने बताया था कि ये सिग्नल वो वाले इवेंट होते हैं जो एमरजेंसी जनरेट होते हैं। एमरजेंसी मीन जैसे सपोज आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे वहां पे जो है ना वो आ जाता है बैटरी लो का एक सिग्नल आ गया सपोज, तो वो जो है वो आप जो है ना आपकी वीडियो चल रही है, तो वीडियो वक्ती तौर पे स्टॉप हो गया, पहले आप उसको पॉज करते हैं, जो भी करते हैं उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, फिर जो है वो अपनी जो है ना आगे फर्दर प्रोसेस, यानी वो जो प्रोसेस चल रहा होता है कर्नल वक्ती तौर पे उसको स्टॉप करके सबसे पहले सिग्नल को जो है ना प्रायोरिटी देगा, प्रायोरिटी बेस पे उसको चेक करेगा। आई थिंक ये मैंने, मुझे यहाँ तक याद है ये सर ने बात की, ये एमरजेंसी तौर पे जो पहले प्रोसेस चल रहे थे ना रूटीन में, उनको ब्लॉक करके वक्ती तौर पे तो सिग्नल को पहले प्रायोरिटी दी जाती है उस वक्त। असल में यहाँ पे हमारे पास ना जितने भी केसेस हैं सब में ही हमारे पास जो है जो चल रहा होता है सिस्टम का नॉर्मल बिहेवियर उसे रोक दिया जाता है, चाहे वो हमारे पास इंटरप्ट है, ट्रैप्ड है या ट्रैप्स है, तो ये केस जो सबके अंदर ही होता है। तो उसमें ये है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, उसमें असल में ये कंसेप्ट जो है वो ज्यादा हमारे पास क्लियर होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में उसने बिल्कुल हल्का सा टच किया हुआ है, तो वो वाली बुक्स जो है अगर हम कंसल्ट, ओके सर, हाँ जी उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि उसमें हमारे पास अगर उन बुक्स को हम कंसल्ट करें तो वहां पे हमारे पास जो इवेंट्स हैं उनकी एक से ज्यादा टाइप्स दी हुई हैं, जैसे अभी आपने बात की है, तो उसमें फिर जो है वो कुछ ज्यादा थोड़ी सी एलैबोरेशन हो जाती है। खैर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, चलें जैसे इरफान साहब ने बताया अभी के लिए वैसे ही आप कर लें कि हमारे पास सिग्नल क्या है, कि कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है, कोई प्रायोरिटी बेस्ड हमारे पास जो है वो सिग्नल आया है, तो हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको खत्म कर दिया गया है और जो आने वाला जो हमारे पास सिग्नल है पहले उसकी बात सुनी गई। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर प्रोटेक्शन। तो हार्डवेयर प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है, देखिए एक वक्त में हमारे पास क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो चल रहे हैं, और वो प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, वो सीपीयू के पास जा रहे हैं और फिर उनसे सीपीयू वापस लिया जा रहा है, तो इस तरह से हमारे पास स्विच एंड फोर्थ जो है वो हमारे पास हो रही है। और अगर हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग हो तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आने के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मिसाल के तौर पर मैनी प्रोसेसेस को भी अफेक्टेड बाय अ बग इन वन प्रोग्राम, तो हो सकता है कि किसी प्रोग्राम के अंदर जो है हमारे पास कोई बग आ जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, या इसी तरह से हमारे पास जो है कोई प्रोग्राम जो है उसके अंदर कोई बग है तो वो दूसरे प्रोग्राम्स को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि मल्टी प्रोग्राम है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से रेजिडेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको मुतासर किया जा सकता है। रेजिडेंट पार्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जिसमें हमने अपना कर्नल जो है वो लोड किया हुआ होता है, या हमारे कर्नल का जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल वाला पार्ट है उसको रेजिडेंट पार्ट कहते हैं। अच्छा, हो सकता है कि हमारे पास फाइल मे ओवरराइट अनदर फाइल ऑन फोल्डर हार्ड डिस्क, या हो सकता है कि हमारे पास कोई फाइल जो है वो दूसरी फाइल को ओवरराइट करते हैं, तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जब हमने मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो तीन तरह के हमारे पास एक तरह से हार्डवेयर हैं, हमने उनकी हिफाजत करनी है। हार्डवेयर हमारे पास तीन तरह के बेसिकली कौन कौन से हैं, हमारे पास इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं तो उनकी हमने प्रोटेक्शन करनी है, फिर हमारे पास मेमोरी है तो उसकी हमने प्रोटेक्शन करनी है, और इसी तरह से हमारे पास सीपीयू हमारे पास हार्डवेयर है तो उसकी हमने प्रोटेक्शन करनी है, ताकि कोई इलीगल ऑपरेशन जो है वो हमारे ये जो हार्डवेयर्स हैं इन पर परफॉर्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हार्डवेयर प्रोटेक्शन है। तो हार्डवेयर प्रोटेक्शन जो है उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा देखना होगा कर्नल मोड एंड यूजर मोड ऑफ सीपीयू ऑपरेशन, कि हमारा जो सीपीयू जो है उसमें कर्नल मोड और यूजर मोड का जो हमारे पास कंसेप्ट है उसको हमें देखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब आप अपना, हमारे पास बेसिकली दो तरह के मोड्स पाए जाते हैं, कर्नल मोड है हमारे पास और हमारे पास यूजर मोड है। ठीक है,
तो हमारे पास सिस्टम लेवल की जितनी भी आप कह लें कि प्रोसेसिंग हो रही होती है वो कर्नल मोड में होती है, और जो हमारे यूजर्स यूजर प्रोग्राम्स हैं उनकी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो यूजर मोड के अंदर हो रही होती है। ठीक है, जब आप अपना सिस्टम जो है वो स्टार्ट करते हैं या बूट करते हैं तो तब हमारा सिस्टम जो है वो क्या करता है, हमारा सिस्टम जो है वो यूजर मोड के अंदर जो है वो जाता है। ठीक है, व्हेन यू हमारा सिस्टम जो है वो कर्नल मोड के अंदर जाता है और फिर फौरन जो है वो स्विच कर जाता है किसके अंदर, यूजर मोड के अंदर। तो यूजर मोड हमारा चलता रहता है और जब कभी जरूरत पड़ती है किसी खास जो है प्रोसेस की या प्रोसेसिंग की तो फौरन जो है यूजर मोड से हमारा सिस्टम जो स्विच करेगा कहाँ पे, कर्नल मोड के अंदर। तो यहाँ पे ये पढ़ लें जरा, व्हेन यू स्टार्ट अ यूजर मोड एप्लीकेशन विंडोज क्रिएट अ प्रोसेस फॉर द एप्लीकेशन, द प्रोसेस प्रोवाइड्स द एप्लीकेशन विद अ प्राइवेट वर्चुअल एड्रेस स्पेस एंड प्रोवाइड हैंडल टेबल। तो जब आप कोई अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोसेस आप अपना स्टार्ट करते हैं यूजर लेवल का, तो उसके लिए क्या, उसको क्या किया जाता है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है वो फ्राहम कर दी जाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, हर प्रोसेस जो है उसकी अपनी अपनी वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है वो हमारे पास मौजूद होगी। अब हर प्रोसेस जो है वो अपनी अपनी जो एड्रेस स्पेस है उसके अंदर वो क्या कर रहा होगा, एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब हमारा जो प्रोसेस होगा, हो सकता है कि उसको किसी खास तरह की जो है वो प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ी है, तो वो क्या करेगा, उसको फौरन जो है उस हमारा जो सिस्टम है उसकी जो मोड है उसका वो तब्दील कर दिया जाएगा। हमारा सिस्टम दोबारा से मैं इसको समराइज कर दूं कि जब हमारा प्रोसेस चल रहा है यूजर लेवल का तो हम मौजूद हैं यूजर क्या कहते हैं, एक मुझे देखने दें, तब हम मौजूद होंगे यूजर मोड के अंदर। और जब हमारा जो यूजर मोड है हमने कोई कर्नल लेवल का कोई काम करना होगा तो तब हम कहाँ पे चले जाएंगे, कर्नल मोड के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे जरा, ये हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे ऊपर है हमारे पास यूजर मोड और नीचे हमारे पास कर्नल मोड। तो यूजर मोड में आप देख सकते हैं कि हमारा यूजर जो है कोई ना कोई प्रोसेस जो है उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आया, कोई सिस्टम कॉल आई, तो सिस्टम कॉल की वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो सिस्टम है वो स्विच कर जाएगा यूजर मोड से कर्नल मोड के अंदर। अब हमारा जो सिस्टम है वो ये कैसे रिकॉर्ड रखेगा कि इस वक्त करंटली सिचुएशन क्या है, आया कि हमारा सिस्टम जो है वो यूजर मोड के अंदर चल रहा है या कर्नल मोड के अंदर चल रहा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्रोग्राम स्टेटेड स्टेटस वर्ड के नाम से हमारे पास एक जो है रजिस्टर मौजूद है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक खास हार्डवेयर हमारे पास इस्तेमाल होता है जिसे बोला जाता है मॉड बिट। ठीक है, तो मॉड बिट की वैल्यू जो है वो हमारे पास जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। अगर मॉड बिट की वैल्यू जो है इस वक्त जीरो है तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम इस वक्त कर्नल मोड के अंदर चल रहा है, और अगर ये हमारे पास वन है तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है इस वक्त यूजर मोड के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या हो रहा था, यूजर मोड में हम चल रहे थे, सिस्टम कॉल आई, एक ट्रैप जो है वो हमें क्या क्या जो है वो हमें कहाँ पे ले जाएगी, यूजर मोड से कहाँ पे ले जाएगी, यहाँ पे कर्नल मोड के अंदर ले जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोड बिट जो है वो किसके बराबर कर दी गई है, जीरो के बराबर कर दी गई है। अब उस सिस्टम कॉल को जो है वो परफॉर्म किया गया, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, और दोबारा से मोड बिट जो है वो क्या कर दी गई है, हमारे पास वन कर दी गई है, और ट्रैप की मदद से हमारा सिस्टम जो है वो दोबारा से कहाँ पे चला गया है, यूजर मोड के अंदर चला गया है। तो मैं अगर चीजों को समराइज करूँ तो हमारे पास जब कोई प्रोसेस जनरेट होता है तो अपने अपनी एड्रेस स्पेस में होता है और वो क्या कर रहा होता है, यूजर मोड के अंदर अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो फिर कोई सिस्टम कॉल की मदद से वो क्या करना चाह रहा है, कर्नल मोड के साथ जो है वो कर्नल के साथ जो इंटरेक्शन करना चाह रहा है, तो तब हमारे पास क्या है, मोड बिट जो है उसको जीरो कर दिया जाता है और हमारा जो सिस्टम कॉल है उसकी मदद से हम ट्रैप जनरेट करते हुए हमारा सिस्टम जो है वो यूजर मोड से कर्नल मोड में आ जाता है, उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया जाता है और दोबारा से मोड बिट जो है उसको वन कर दिया जाता है और हमारा सिस्टम जो है अगेन चला जाता है किसके अंदर, यूजर मोड के अंदर। तो ये हमारे पास जो ऑपरेशन था इसको आमतौर पर बोला जाता है डुअल मोड ऑपरेशन या स्विचिंग फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड भी आमतौर पर इसको कह दिया जाता है, और इसके लिए हमारे पास एक खास तरह का जो है वो बिट इस्तेमाल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मोड बिट कहते हैं, और ये वैल्यू जो है वो सेट की जाती है कहाँ पे, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का जो हमारे पास रजिस्टर है उसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है इसकी सेट की जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, यहाँ पे है हमारे पास, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये असल में हमने टॉपिक कब शुरू किया था, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे हार्डवेयर प्रोटेक्शन की। तो हमने कहा था हार्डवेयर प्रोटेक्शन हमारे पास तीन तरह की होती है, आईओ प्रोटेक्शन है, मेमोरी की प्रोटेक्शन है और सीपीयू की हमारे पास प्रोटेक्शन है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास आईओ प्रोटेक्शन, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आईओ प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो एक जो है काफी ज्यादा अगेन हमारे पास जो है वो टाइम खत्म हो रहा है दूसरे सेशन का भी। तो आईओ प्रोटेक्शन हमारे पास यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अ यूजर प्रोसेस मे डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम बाय इशूइंग इलीगल आईओ इंस्ट्रक्शंस बाय एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशंस विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ और बाय रिफ्यूजिंग टू रिलिंक्विश द सीपीयू। वी कैन यूज वेरियस mechanism to ensure that such disturbs cannot take place in the system. To prevent user from performing illegal operation, we define all IO instructions to be privileged instructions. तो हमारे पास क्या हो सकता है कि कोई IO instruction ऐसी हो सकती है जो कि कोई illegal operation जो है वो perform कर देगी। अब ये illegal operation जो है उसको perform होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी तमाम की तमाम जो IO instructions हैं उनको हम क्या कर देंगे, उनको हम प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस कर देंगे। अब ये हमारे पास प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस का कांसेप्ट है। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कर्नल मोड के अंदर चल सकती हैं, और नॉन प्रिविलेज्ड हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे पास जो है यूजर मोड के अंदर चल सकती हैं। तो उन्हें क्या हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस कह देते हैं। अब हमारे पास जितनी भी आईओ का जो ऑपरेशन है या आईओ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने क्या कर दिया है, उनको हमने प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस कर दिया है। मीन टू से के आईओ जो है वो कहाँ पे जाके परफॉर्म होगी, वो जाके कर्नल मोड के अंदर परफॉर्म होगी, वो यूजर मोड के अंदर परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वो कर्नल मोड के अंदर जाके परफॉर्म होगी। इस वजह से हमारे पास चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं कि कोई आईओ का जो इलीगल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या था, आईओ प्रोटेक्शन था। यहाँ पे कोई शायद क्वेश्चन है इनका, अच्छा जी ये कह रही है कि ओवरफ्लो हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आज का जो हमारा एजेंडा तो मेरा ज्यादा था। बहरहाल हम जो हमारे पास 7 मिनट रहते हैं उसमें हम मेमोरी प्रोटेक्शन और जो हमारे पास जो इसकी थर्ड टाइप है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। अब हम यहाँ पे आईओ की बात आपको समझ आ चुकी होगी कि हम क्या करेंगे, आईओ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रिविलेज्ड कर देंगे, यूजर मोड के अंदर वो रन नहीं हो सकेंगी और उनको कर्नल मोड पे जाके रन होना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो कोई भी इलीगल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ये चीज हमारे पास आईओ प्रोटेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी प्रोटेक्शन आपके पास क्या है कि हमारे पास जो हमारी रैम है उसकी जो उसमें जो हमने कहा था कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस होती है, तो कोई एक एड्रेस स्पेस जो है उसको कोई एक प्रोसेस की एड्रेस स्पेस को कोई दूसरा प्रोसेस जो है वो अकोपाई ना कर सके, इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे हमारे पास अगेन कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रोसेस एड्रेस स्पेस। प्रोसेस एड्रेस स्पेस क्या है कि हर जो प्रोसेस है उसकी रैम के अंदर जो है वो अपनी अपनी स्पेस है जिसको प्रोसेस एड्रेस स्पेस बोला जाता है। तो अब कोई प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को जो है वो वहां पे जाके कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म ना कर दे, वहां पे कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो राइट ना कर दें, इस चीज से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस चीज से बचाने के लिए हर प्रोसेस जो है उसको बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर जो है वो असाइन कर दिया जाता है। बेस रजिस्टर क्या है, हमारे पास बेस रजिस्टर बताएगा कि भाई आप ये वाला जो प्रोसेस है ये इतने नंबर, उसको कोई ना कोई नंबर अलाट कर दिया जाएगा। ठीक है, कि आपकी वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है, और लिमिट रजिस्टर जो है वो बताएगा कि यहाँ पे आके इस प्रोसेस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे या उसकी स्पेस जो है वो यहाँ पे आके खत्म हो रही है। बेस रजिस्टर क्या है आपके पास, बेस रजिस्टर जो है वो आपके पास स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस है, और लिमिट रजिस्टर क्या है कि जहाँ पे जाके हमारा प्रोसेस की स्पेस खत्म हो रही होगी वो हमारे पास दर्ज होता है कहाँ पे, लिमिट रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पे देख लें कि ये आपका सीपीयू है और ये आपकी मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर आपके पास क्या होंगे, मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, मुख्तलिफ हमारे पास क्या है, प्रोसेसेस जो है वो पड़े हुए हैं। बिलफर्ज यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोसेस पड़ा हुआ है। ठीक है,
अब इस प्रोसेस का एड्रेस स्पेस मैं फर्ज कर लेता हूँ हमारे पास है 400, ठीक है। तो इसका जो बेस रजिस्टर है वो क्या हमारे पास क्या होगा, 400 होगा, और इसके अंदर जो है वो मैं कह देता हूँ जी 100 इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं या 100 बाइट्स मैं कह देता हूँ मौजूद हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो लिमिट रजिस्टर है इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। सिंपली अगर आप समझे तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो अब जब हमारे पास कोई सीपीयू जो है वो एड्रेस जनरेट करेगा तो देखा जाएगा आया कि वो जो इसकी बेस रजिस्टर है उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, और बेस प्लस लिमिट से वो कम है तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाली लोकेशन जो है इसको एक्सेस कर लेंगे। मिसाल के तौर पर सीपीयू जो है उसने यहाँ पे कोई एड्रेस जो है वो जनरेट किया 450 का, तो 450 जो है वो हमारे पास बेस रजिस्टर से ज्यादा है, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब हम आगे दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, क्या ये बेस प्लस लिमिट से कम है। तो बेस प्लस लिमिट आपके पास क्या है, बेस है 400 और लिमिट है हमारे पास जो है हमारे पास क्या है 500 है, ये हमारे पास लिमिट है। तो इसे हमारे पास क्या है, ये छोटा है, तो फिर हमारे पास ये लीगल होगा, मतलब कि 450 यहाँ पे कहीं पाया जा रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये एक लीगल एड्रेस है। तो तब क्या किया जाएगा, यहाँ पे आके जो है इसको एक लीगल हमारे पास एड्रेस होगा, तो इस वजह से हमारे पास जो है ये वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। अगर इनमें से हमारी कोई कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन, तो तब हमारे पास जो है वो नो में चला जाएगा और हमारा जो है ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकेगा। इसकी एक और मिसाल जो है आगे हमें दी हुई है, यहाँ पे देखिएगा जरा, बिलफर्ज यहाँ पे हमारे पास जो है ये कोई ऑपरेशन है जिसका हमारे पास प्रोसेस है, जिसका हमारे पास बेस एड्रेस था 340, ठीक है, ये इसका बेस रजिस्टर है। अब हमारे पास जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पाई जा रही हैं, ये जो हमारा प्रोसेस है जॉब टू है, इसकी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं या बाइट्स हैं वो है हमारे पास 12,900, ठीक है। तो अब हमारा लिमिट क्या बनेगा, लिमिट हमारा बनेगा बेस रजिस्टर प्लस लिमिट रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर प्लस लिमिट रजिस्टर अगर हम टोटल करें इन दोनों चीजों को तो हमारे पास बनेगा 42,940, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास कोई एड्रेस जनरेट होता है, बिलफर्ज मैं कह देता हूँ 43,000 का कोई अगर हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो इस एड्रेस स्पेस में नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब है कि आप किसी और जॉब का जो एड्रेस स्पेस है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो एड्रेस है वो जॉब टू के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर हमने बात की थी कि हमारे पास जो एड्रेस है वो छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, बेस प्लस लिमिट से, ठीक है। तो इसकी बेस प्लस लिमिट जो है बेस प्लस ये वाली लिमिट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट रजिस्टर की वैल्यू बन जाएगी। तो जो भी एड्रेस जनरेट होगा वो लिमिट रजिस्टर से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से मेमोरी की प्रोटेक्शन की जाती है कि कोई प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस की एड्रेस स्पेस जो है उसको एक्सेस ना कर सके। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, चलें आखिरी हमारे पास सीपीयू प्रोटेक्शन ये भी देख लेते हैं, हमारे पास 2 मिनट पड़े। सीपीयू प्रोटेक्शन आपके पास क्या है कि हमारे पास हाँ जी सीपीयू प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो हमेशा के लिए हमारा प्रोसेसर जो है उसको जो है वो उसको स्टक ना हो जाए उसमें जाके, ठीक है। तो हमारे पास बाज़ुकात होता है कि हमारा कोई विंडोज के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि कोई प्रोसेस जो है वो हमारे सीपीयू को पकड़ लेता है और हमारा सीपीयू जो है वो हमेशा के लिए फिर क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है इस चीज से हम बचाना चाह रहे हैं अपने सिस्टम अपने सीपीयू को, तो इस चीज को हमने नाम दिया सीपीयू प्रोटेक्शन। तो सीपीयू प्रोटेक्शन जो है वो हमारे पास 2 तरह से हो सकती है। तो पहला इसमें जो बुनियादी कंसेप्ट है वो है हमारे पास टाइमर का। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे टाइमर का कंसेप्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे पाया जा रहा है। तो हमारे पास कोई टाइमर चल रहा होगा और वो टाइमर जो है जैसे ही उसकी वैल्यू जो मुकम्मल होगी तो हमारा जो प्रोसेस है उसे सीपीयू वापस ले लिया जाएगा। अब ये चीज जो है वो 2 तरह से की जा सकती है। पहला है कि हमारे पास जो है वो फिक्स्ड रेट क्लॉक होगा और दूसरा हमारे पास जो है वेरिएबल जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो टाइमर की होगी। तो
मेरे ख्याल टाइम खत्म हो रहा है, तो ये चीज जो है वो हम कल ही करेंगे, आज हम फिर नेक्स्ट नहीं कर रहे, किसी भी वक्त टाइम खत्म हो जाना। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दे इरफान साहब। ओके सर, बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा था आज का, बड़ा जबरदस्त समझ आई है, टॉपिक दोबारा ताजे हो गए। सीपीयू प्रोटेक्शन से इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे, और प्रोसेसर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस